काशी व्यापार प्रतिनिधि मंडल के तमाम पदाधिकारी जीएसटी ऑफिस पहुंचे। उन्होंने जनरल सर्वे एवं सत्यापन को लेकर जीएसटी अधिकारी से संवाद किया और ज्ञापन भी दिया। वहीं जीएसटी अधिकारी ने जनरल सर्वे को रोक लगाने की बात कही। देखिए हमारे संवाददाता ओम प्रकाश पटेल की रिपोर्ट। सर वो यदि यदि वो करेगा जीएसटी नहीं है सर चालू नहीं होगा। ये व्यापारियों का सर्वे होगा, ये हम क्या मान रहे हो आप लोग? नहीं, जो जो आपके अंदर चाहिए 400 वो मैं लिस्ट आपको बता दूं। आप मत बताइए, इसलिए आप बताइए। आपकी समस्या मैंने सुन ली। पूरा का पूरा प्रकरण ये है, तो आप लोग ये कहना चाह रहे हो कि हम फेक व्यापारियों को प्रश्न दे रहे हैं। व्यापार मंडल ये कहना चाह रहा है आपको लगा क्या गई जब जब आप जमीन व्यापारियों आपके कोई सर्वे को नहीं पहुंचा तो फिर किस बात पे स्पष्ट क्लियर है? पेपर में भी आ रहा है, हम लोग भी आपको बता रहे हैं। ये पूरी ड्राइव फेक व्यापारियों को पकड़ने बोले नहीं आपको नहीं जिस प्रकार अखबार में रोज छप रहा है आप उसका खंडन कीजिए। क्यों नहीं करेंगे हमारा बयान छप रहा है, हमारा बयान छप रहा है। नहीं भाई अखबार में डेली बयान छप रहा है, इस बात पर अखबार में भेज दीजिए। आप आओगे तो हम बता देंगे नहीं हो रहा जनरल सर्वे। हम पेपर को पहले क्यों जाए? आप लोग पर ये समझ लीजिए कि ड्राइव क्या है। ड्राइव ये है कि गलत संदेश जा रहा है तो आपका मंडल का काम ही गलत संदेश को काटना। आपसे हल्के बात से सही करने तो आ रहे हैं। मांग था सर नहीं, व्यापारियों में एक भ्रम पैदा हो रहा था कि उनका जनरल सर्वे किया जा रहा है, जबकि विभाग द्वारा कोई भी जनरल सर्वे नहीं किया जा रहा है। एक्चुअल करापंचक को पकड़ने का प्रयास पूरे भारत सरकार का है, राज्य सरकार का है। तो हम डाटा विश्लेषण करने के उपरांत ये पाते हैं कि इसका व्यापारिक प्रतिष्ठान को जाँच होती ही रहेगी और जाँच करानी भी चाहिए ऐसे लोगों को, ताकि हम वास्तविक करापंचक व्यक्ति के पास पहुँच सकें। इन जनरल हम किसी प्रकार का कोई उत्पीड़न विभाग का नहीं है, न राज्य सरकार का है, न केंद्र सरकार का। किसी का उत्पीड़न करने की कोई मौसा नहीं है सर। जैसा कि विभाग में तो समय समय पर हमें लगता है कि इस तरह का सर्वे भी तो होता होगा। नहीं नहीं, जनरल सर्वे कोई नहीं होता। सर्वे तो हमारा जारी ही रहेगा, इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस हमेशा चलता रहता है। इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस करापंचक को पकड़ने का एक माध्यम है, उसके माध्यम से ही हमें वो विंग बनी हुई है, उस विंग के माध्यम से हमें कराना आवश्यक होता है, ताकि हम जो रेवेन्यू को और या करापंचक विधिक कार्रवाई करते हुए जो है शेष हमारे जो व्यापारी बंद हुए उनकी सहायता के लिए, उनके और देश के विकास के लिए रेवेन्यू इकट्ठा कर सकते। सर जिस तरह से व्यापारी जो है वाराणसी के व्यापारी हैं, तमाम व्यापारी हैं, वो आए दिन जीएसटी को लेकर तमाम तरह के धरना प्रदर्शन करते रहते हैं, क्या कुछ मूलभूत समस्याएं देखने को मिली है? नहीं नहीं, कोई भी मूलभूत समस्या नहीं बताई इन्होंने, और मैंने स्पेसिफिक रूप से भी पूछा किसी की कोई स्पेसिफिक कोई मामला हो तो वो बताए। किसी प्रकार से कोई स्पेसिफिक मामला नहीं बताया गया और न जीएसटी से कोई भी बहुत ही बड़ी सी दिक्कत बताई गई। एक्चुअल विभाग भी करापंचक तक पहुंचने का प्रयास कर रहा है और व्यापारी भी बंधुओं ने भी आश्वस्त किया है कि वो हमें इस मामले में सहयोग करेंगे। सर जिस डेटा एनालिसिस की आपने बात की उसमें से आपने बताया कि 300 कुछ समथिंग फेक आईडी है। हाँ, तो वो ऑलरेडी हम लोगों ने बहुत सारे मामलों में जो 85% मामले थे उसको तो ऑलरेडी पहले ही कैंसिल कर चुके थे हम उनका रजिस्ट्रेशन। और फेक वो जो रिटर्न नॉट फाइलर थे या और कोई कमी थी जिसके आधार पर हमें जनरल सर्वे को लेकर सर क्या कुछ? जनरल सर्वे कोई नहीं है, किसी भी को घबराने की जरूरत नहीं, किसी को डरने की जरूरत नहीं। किसी का किसी प्रकार से कोई उत्पीड़न है तो हमने अपना नंबर प्रेस किया है 72-35-00-16-27 कभी भी बात। इन दिनों समाचार पत्रों के माध्यम से कुछ खबरें भी चलाई जा रही है जिसको लेकर तमाम तरह की बातें चर्चे में बना हुआ है, उसको लेकर आपकी क्या राय है?
नहीं, अब समाचार पत्रों में गलत भ्रमित कोई खबर चला दी जाए तो उसका कोई सोल्यूशन नहीं हमारे पास। आदमी का कोई भी सिद्धांत या मन के विषय पर होता है, अगर मन उसका निर्मल नहीं है तो कानून को सही एग्जीक्यूशन अच्छी तरह।